अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जर्मनी के वीज़ा की और पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को, जो कि मुश्किल हो जाता है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के मुकाबले में। मैं इसलिए नहीं कहता कि मैं कंट्रीज़ के दरमियान में कोई वो क्रिएट करूं, बट जो मैंने अपने पिछले 5 साल के एक्सपीरियंस में लर्न किया है वो ये कि इंडियन पासपोर्ट पे वीज़ा गेट करना थोड़ा सा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी पासपोर्ट। अगर हम बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की बात करते हैं, अगर हम छोटे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की बात करते हैं तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो इवन दो टर्की भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। मुझे 10-15 लोगों के मैसेजेस आए कि उनका रिजेक्ट हो गया, मैं हैरान था। लेकिन खैर डिपेंड्स करता है डॉक्यूमेंट्स पे और डिपेंड करता है आपने कैसे रिप्रेजेंट किया। सो दोस्तों मेरे साथ दोस्त ने कांटेक्ट किया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि वो किसी बड़े कंट्री का वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने उनसे एक सिंपली क्वेश्चन पूछा, आपने अभी तक कहीं ट्रैवल किया है? तो उनका आंसर था नहीं, मैं अभी तक कहीं ट्रैवल नहीं किया और मेरा फ़्रेश पासपोर्ट है, आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ दुबई, चला जाता हूँ सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड चला जाता हूँ और उसके बिहाफ पे ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा यार ये जो कंट्रीज़ है ना ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री में नहीं आते, ठीक है। आपको अगर रिस्क लेना ही है तो शेंजन वीज़े का रिस्क लो, ठीक है। और शेंजन में जो है वो फ्रांस मेरा फेवरेट कंट्री है, मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। नेदरलैंड है, फिनलैंड है, पाकिस्तानियों को आसानी से वीज़ा दे देता है। सो एनी हाउ हमने जर्मनी का वीज़ा सिलेक्ट किया एंड जर्मनी के वीज़ा सिलेक्ट किया, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, केस को बेस्ट से बेस्ट जितना हम तैयार कर सकते थे किया, प्रोफेशनल ट्रैवल प्लान, प्रोफेशनल फॉर्म फिलिंग, उसके अलावा जो जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगा सकते थे मैंने उनको सारे के सारे रिकमेंड किए और द बेस्ट न्यूज़ इज़ के वीज़ा मिल गया। एंड आई वॉज सो सरप्राइज बिकॉज मैं ज़्यादातर फ्रांस और बाकी कंट्रीज़ को डील करता हूँ, जर्मनी मेरा फर्स्ट वो था बट हमें सक्सेस मिला। सो एनी हाउ वो जर्मनी गए, जर्मनी जाने के बाद वहाँ पे वो जर्मनी उन्होंने देखा, साथ में स्विट्ज़रलैंड देखा, साथ में उन्होंने फ्रांस देखा, साथ में उन्होंने जो है वो उनके चेक रिपब्लिक में आई थिंक दोस्त होते थे, वहाँ से वो मिले और वापस आ गया। अब मुझे एक बात बताएं, अगर कोई पर्सन भी किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहा है और उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री है मान लो दुबई की, थाईलैंड की, सिंगापुर, मलेशिया की, और एक बंदा वो है जो बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहा है और उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री है स्विट्ज़रलैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, स्पेन की, चेक रिपब्लिक की, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑफकोर्स वीज़ा ऑफिसर किसको इंपॉर्टेंस देगा? ऑफकोर्स उस बंदे को इंपॉर्टेंस देगा जिसके पास शेंजन का वीज़ा था और जो शेंजन ट्रैवल करके आया था, जिसकी वजह से मैं अपने तमाम दोस्तों को रिकमेंड करता हूँ कि यार आपको शेंजन वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत है ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और उसमें ऑफकोर्स आप फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, उनको हम टारगेट कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये कि जिसकी अपॉइंटमेंट जल्दी मेरी हो, क्योंकि अगर आप बिलीव मी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो आपको मिल जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं हैं, आप जो है वो किसी भी कंट्री का शेंजन एरिया में अप्लाई करो आपको नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपकी केस को रिप्रेजेंट करने वाला बंदे में जान होनी चाहिए। अभी कल मुझे एक दोस्त की कॉल आई और उसने मेरे साथ शेयर किया, ब्रिटिश सिटीज़न है, अपनी मदर के लिए वीज़ा अप्लाई किया पाकिस्तान से, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। मैंने कहा भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक 60-70 ईयर्स की मदर हैं जो अपने बेटे को ब्रिटिश सिटीज़न को विज़िट करना जाना चाहती हैं और उसका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। सो एनी हाउ पता ये चला कि उसने किसी लोकल कंसल्टेंट के थ्रू सर्विस ली थी और उसने उसका केस सारा का सारा बिगाड़ के रख दिया। दोस्तों केस को फर्स्ट टाइम में प्रेजेंट करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू बिगड़े हुए केस को सीधा करना, मुश्किल हो जाता है बिगड़े हुए केस को सीधा करना। तो इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपने अपनी पूरी की पूरी जान डाल देनी है। अगर आप पूरी की पूरी अपनी जान डाल देंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स में जान होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में जान नहीं होगी कंसल्टेंट जितनी भी मेहनत कर ले कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में जान होगी उसके बाद कंसल्टेंट में जान होनी चाहिए। ये दो चीज़ें जब मिक्स होती हैं ना बिलीव मी वीज़ा मिल जाता है और मैंने अपना ये काफ़ी दफ़ा जो है वो ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है, कि अगर ये दो चीज़ों में जान है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। सो एनी हाउ दोस्तों आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप शेंजन वीज़ा से रिलेटेड ज़रूर मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे और मुझे खुशी होगी अगर मैं आप दोस्तों की हेल्प कर पाऊँ। अदरवाइज़ आप कोई भी प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं जो कि आपके केस को बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू आप खुद से अगर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।